हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर पानीपत में हरियाणा न्यूज ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की, सुनिए। तो भूपेंद्र हुड्डा जी जो है हमारे साथ हैं, उन्होंने सीधा सीधा किसान के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो ब्याज से संबंधित हो या किसान के गन्ने का भाव हो, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो आपने मुद्दे उठाए हैं किसानों के लिए, उस पर एक बार क्या कहेंगे सर? क्योंकि किसान की जो अब हालात है बहुत बदतर है, बर्बादी का कार पे खड़ा है, और पिछले कई साल में 4-5 साल में किसान की लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, और नतीजा हुआ कर्ज में डूबा पड़ा किसान। हरियाणा में तो MSP भी नहीं मिली धान में, और धान में कितना खरीद में घोटाला हुआ, हम बार बार कहें CBI की इंक्वायरी करो, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार काम करना कब शुरू करेगी? इस सरकार ने ना तो कोई दिशा दिखाई है किस दिशा में करेंगे ये, ना कोई दशा है, तो ये सरकार दिशाहीन और दशाहीन सरकार। सर, एक चीज और है सर, 1028 स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे कम थे, उस पर ये प्लान बना रहे हैं कि उनको बंद कर लिया जाए, उनको अलग से। ये सरकार सिर्फ बंद करने का काम कर सकती है, नए स्कूल चलाने का काम नहीं करती है। सर, दिल्ली में चुनाव है, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? दिल्ली में 3 कौड़ियां मुकाबला है, कांग्रेस, आप पार्टी और भाजपा, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप पार्टी में। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने सीधी सीधी बात की है और उन्होंने सीधा सीधा अपना विजन क्लियर किया है कि किस तरीके से जो है हरियाणा में जो है किसानों के हित को लेकर सरकारें काम कर रही है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत।